सभी को मेरा नमस्कार। चांदनी चौक वार्ड का मेरा दौरा है, सारे अधिकारी वेट कर रहे हैं, इलाकों में जाना है, बहुत सी समस्याएं हैं, कमिटमेंट है, जबान दे चुकी हूं, इसलिए मुझे आपके बीच में से जाना होगा। लेकिन मेरी पूरी शुभकामनाएं आपके साथ है और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप हालात बदलते हुए खुद अपने आंखों से देख रहे हैं इस तरह के, क्योंकि मैंने प्रिंसिपल और हमारे डीडी जोन 7 से भी हमारी बात हो रही थी कि हम सब दिल्ली सरकार या कहीं ना कहीं सरकारी स्कूलों से पढ़े हुए हैं। हमारे समय में टाटपट्टी होती थी, पंखों के नाम पर खिड़कियों से हवाएं आती थी, ना खिड़की ना शीशे, हवाएं आती थी और हमारे भी वहां पर सुविधाओं के नाम पर कुछ नहीं होता था और मिड डे मील में हमें चने कभी कभी मिलते थे। लेकिन मैं अपनी टीचर्स के, दिल्ली सरकार की उस समय की टीचर्स की रैली सराहना करती हूँ, उन्हें आज भी कहीं पे भी हूँ उनके लिए दुआएं करती हूँ, उनको सलाम करती हूँ, क्योंकि आज मैं जहां पर भी खड़ी हूँ मैं उनकी वजह से खड़ी हूँ, उन सरकारी स्कूल के अपने टीचर्स की वजह से खड़ी हूँ, क्योंकि पहली से बारहवीं तक मैंने दिल्ली सरकार के स्कूलों से अपनी शिक्षा प्राप्त की। दूसरा, मैं आप सभी से कहूंगी, बदलाव होते हुए हम देख रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में, पूरे देश ही नहीं विदेशों में, दिल्ली सरकार के स्कूलों में जो बदलाव आ रहा है उसकी तारीफ हो रही है और उसकी तारीफ का सहरा जो है किसी और के सिर पर नहीं एसएमसी के सर पर जाता है, जिसमें प्रिंसिपल भी है, टीचर भी है और पेरेंट्स भी है। तो इसकी सारी जब तारीफ कोई करता है तो हमारा सीना चौड़ा होता है कि सब मिलकर ये प्रयास कर रहे हैं, ये किसी एक के प्रयास से नहीं हो रहा है, ना किसी एक के प्रयास से संभव हो सकता है। हम सब ने अपनी जिम्मेदारी ली, अपने बच्चे जो इस देश का भविष्य है उनकी जिम्मेदारी ली और हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं। और मुझे खुशी है जितने भी प्रिंसिपल्स ने अपनी रिपोर्ट रखी उन सब ने एसएमसी स्कूल मैनेजमेंट कमेटीज की तारीफ की कि पूरा सहयोग एक दूसरे से हमें मिल रहा है, इससे बड़ी बेहतर बात कुछ नहीं हो सकती। और नीतू एसएमसी प्रिंसिपल के अलावा आपने नीतू नाम बताया, अच्छा है कि पेरेंट्स भी जागरूक हैं और अगर कोई ऐसा मौका मिलता है तो वो पूरी कोशिश करते हैं कि इस मौके में अगर मुझे एक सेकंड भी मिले तो मैं अपनी बात को रखूं। और मुझे खुशी है कि नीतू जैसे अभिभावक, आप जैसे अभिभावक जागरूक हैं, उन्हें मालूम है किस जगह पर किस समय पर क्या बात कहनी है, उसका फायदा नीतू ने उठाया है। तो मैं आप सभी से कहूंगी, समस्याएं बहुत उदाहरण पेश किया कि अगर एक मिनट का टाइम मिला तो एक मिनट के अंदर हर एक ने अपनी बात रखी, लेकिन आज का जो है सैनिटेशन एंड मिड डे मील के ऊपर हमने बताया कि आज की चर्चा रहेगी। और मिड डे मील के ऊपर जैसे बताया मैडम ने कि दलिया नहीं खाना चाहते बच्चे, या आपने कचना और हलवा खाते थे जो अब मिलना शायद कम या बंद हो चुका है, तो मैं जरूर कहूंगी जो भी पौष्टिक आहार हमारे बच्चों के लिए मिड डे मील में मिलना चाहिए बदल बदल के, ताकि बच्चे का जो इंटरेस्ट एक चीज खा खा के जो उग ना जाए। हमारा मकसद वो ये कि बच्चा खाए, पूरे इंटरेस्ट के साथ खाए, पौष्टिक आहार ले, उसके स्वास्थ्य के लिए हम ये मिड डे मील स्कीम करते हैं। तो आप जरूर सुझाव दीजिएगा कि किस दिन हो सकता है, माफी चाहूंगी एक ऐड होती थी संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे, तो उसमें हम लोगों को हुआ कि केला और एग दिया जाएगा, लेकिन बहुत लोगों ने कहा हमारे बच्चे शाकाहारी हैं इसलिए अंडा ना दिया जाए। तो क्या हो सकता है कि हमारे बच्चों को पौष्टिक आहार मिले, उसके ऊपर आज आपके पास सारा समय है। मैं उम्मीद करती हूँ आप इस पे जरूर चर्चा करेंगे। इस मीटिंग के अंदर दिल्ली पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, पीडब्ल्यूडी विभाग को भी आना था, लेकिन मुझे मालूम नहीं है क्यों नहीं आया, खबर नहीं थी या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है, क्योंकि जैसे आपने कहा हमारी खिड़कियां, हमारी जो है शीशे लगना या कुछ विकास के कार्य जो स्कूलों के अंदर पीडब्ल्यूडी करता है वो बहुत धीरे है, मध्यम स्थिति से चल रहा है, और तो मुझे उम्मीद थी अधिकारी होते पर उसकी डीडी जोन 7 हमारे बीच में, मैं खुद एक एक पॉइंट को मैंने नोट किया। उस मीटिंग के बाद हमारे एसएमसी के रिप्रेजेंटेटिव चांदनी चौक से नाजिम भाई भी बैठे, उन सबने नोट कर लिया। हमारी जिम्मेदारी रहेगी कि तय समय सीमा के अंदर जो भी समस्याएं, जो भी सुझाव आपके आज की मीटिंग में आएंगे हम उसको ईमानदारी से 2 महीने की छुट्टियों के अंदर सॉर्ट आउट कर लें, ताकि 2 महीने के बाद जब बच्चे वापस स्कूल में आए तो उन्हें इस सब समस्याओं का कम से कम सामना ना करना पड़े। और एक और तारीफ मैं करना चाहूंगी, जैसे मैंने स्कूलों में दिल्ली सरकार के स्कूलों में बदलाव की बात की है, प्रिंसिपल डीडी जोन 7 ने कहा कि बहुत से प्रिंसिपल्स को जो है वो मौका मिला है कि आप विदेश जाकर वहां के स्कूल सिंगापुर और दूसरे स्कूलों में कैसे पढ़ाई मॉडर्न तरीकों से की जा रही है, ताकि हम अपने बच्चों का इंटरेस्ट पैदा कर पाए। खुशी की बात है आपको मैं एक बात बता देना चाहती हूँ, 3 साल से विधायक हूँ, सुनने में तो ये आता था जब तक विधायक नहीं बनी थी कि नेता लोग टैक्स पेयर की मनी पर स्टडी टूर के नाम पर, सीखने के नाम पर देश और विदेश के दौरों पर जाते हैं, लेकिन ये पहली बार हुआ है मैं विधायक हूँ, मैं 3 साल में एक बार भी
मुझे सरकारी खर्चे पर या टैक्स पेयर के खर्चे पर विदेश जाने का मौका नहीं मिला है, लेकिन मुझे खुशी है कि अब ये सोच खत्म हो रही है कि टैक्स पेयर की मनी में स्टडी टूर सीखने के नाम पर देश विदेश के दौरे करते थे, लेकिन वापसी में क्या मिलता था? ठन ठन गोपाल, कुछ हासिल नहीं होता था, एक हमारा पर्यटन बनकर रह जाता था। लेकिन मुझे आज खुशी है कि दिल्ली सरकार हमारे प्रिंसिपल्स, हमारे टीचर्स को, जिन्हें इन स्कूलों में हम 5 साल के लिए है, मुझे नहीं मालूम 3 साल पूरे होंगे, 2 साल के बाद जनता क्या फैसला करेगी, लेकिन आप लोगों को जो टीचर्स हैं, जब तक रिटायर नहीं हो जाते, किसी को 30 साल हो गए, किसी को 40, किसी को पूरा अभी बहुत समय है, तो मुझे अच्छा है कि सरकार आप पर इन्वेस्ट कर रही है। सरकार टैक्स पेयर की मनी, जो पैसा है जो करदाता देता है, वो शिक्षा स्वास्थ्य के ऊपर और आप टीचर्स के ऊपर और आपको अनुभव आपको सीखने के लिए देश विदेश में भेजने पर खर्च कर रही है। मुझे इस बात पे बहुत खुशी है कि हम लोगों ने अभी सिंगापुर का भी उदाहरण दिया कि जब आप वहां गए, क्योंकि हमने अभी भी शशि भूषण जी ने, प्रिंसिपल ने अपना दिखाया कि आज बच्चे 3D के ऊपर किस तरीके से जो है खूबसूरत मकान, गाड़ियां और ये 3D के ऊपर बनना सीख रहे हैं। अगर आपको मौका मिले इस मीटिंग के बाद एक बार उस कमरे में जाकर आइएगा, बच्चों के कॉन्फिडेंस और आत्मविश्वास इतना ऊपर है कि उसने जो गाड़ी एक खिलौने के रूप पर अभी 3D पर बनाई है, उसे यकीन है कि वो असली में एक दिन ये गाड़ी बना पाएगा। और यही हमारा मकसद है, ये कॉन्फिडेंस, ये विश्वास लाना कि आज जो हम कमरों में, बंद कमरों में एक खिलौने में एक मॉडल के तौर पर कर रहे हैं, एक ना एक दिन हम हकीकत में कर पाएंगे। और अटल योजना के तहत अटल लैब सेटअप करने के लिए, जैसे आपने DD Zone 7 ने बताया है कि प्रमोद जी ने कि 25 लाख रुपया, मैं सही कह रही हूँ, 25 लाख रुपया हर स्कूल को इस लैब को सेटअप करने के लिए जो है वो दिया जाएगा, ताकि हमारे बच्चे जो है किताबी पढ़ाई तो करें, लेकिन इंटरेस्ट जब पैदा होता है, जब हम मैथ और गणित या हमारी साइंस जो है वो किताबी पढ़ाइयों से बाहर निकल के प्रैक्टिकल स्वाभाविक अपनी जिंदगियों में करना शुरू करते हैं, तो बच्चे को समझ भी बहुत जल्दी आता है, इंटरेस्ट भी पैदा होता है और हम अपने मकसद में कामयाब होते हैं। बाकी आपने भी प्रिंसिपल सर बताया है कि आपका जो मल्टीपर्पज हॉल जो है, मैं आपको कहूंगी बहुत सी चीजें PWD स्कूल का रेनोवेशन सब चीज करता है, लेकिन जब आप पेरेंट्स की तरह पूरी जिम्मेदारी लेकर बच्चे को अपना सब कुछ समझ के देखते हैं, तो बहुत बारीकी से आपने चीजों को ऑब्जर्व किया, उनको सुझाव दिए कि ये चीज ऐसी नहीं, ऐसी होगी तो शायद बेहतर होगी, चर्चा करके हुआ ये कि उनको लगने लग गया कि ठीक है PWD इंजीनियर तो हम है, पर प्रिंसिपल का सुझाव अच्छा है, इसलिए सुन लेना चाहिए, देखना जाना चाहिए कि वो उसमें स्वाभाविक है तो किया जाना चाहिए, और किए बहुत से बदलाव, PWD के जो प्लानिंग के अकॉर्डिंग थे उनमें बदलाव हुआ है। मुझे भी आपका सुझाव बहुत अच्छा लगा, खुद सुनकर ही समझ आ गया कि बिल्कुल 2,500 बच्चों के लिए वो पर्याप्त नहीं है, और अगर आपके पास जगह है तो इसी इतने ही बड़े हॉल उस कैपेसिटी के बच्चों के लिए बन सकते हैं, तो उसे बनाकर उसे कन्वर्ट किया जाए। मैं इस बात का आपका समर्थन करती हूँ। और बाकी बहुत छोटी छोटी सी समस्याएं, खिड़की है कूड़े के लिए बताया, मुझे खुशी हुई मैगजीन रोड जो है हमारा गर्ल्स का 55 नए रूम बनकर आपके तैयार होने वाले हैं, लेकिन रेनोवेशन का काम धीरे चल रहा है, आप बिल्कुल वेलकम होंगे, हम चाहते हैं आपका पूरा पूरा फोकस बच्चों की शिक्षा और पढ़ाई पर हो। ये जो काम है वो हम लोग SMC और बाकी हम लोग जो एजुकेशन से नहीं सीधा जुड़े हुए हैं, क्लासों में बच्चों को नहीं पढ़ा रहे हैं, आपकी जिम्मेदारी पूरे हमें SMC जितने पेरेंट्स बैठे, ये आपके बच्चों का, पहले आपके बच्चों की बात है, फिर देश के और दिल्ली के भविष्य की बात है, इसलिए पेरेंट्स को कहूंगी, प्रिंसिपल और टीचर्स को, जब पेरेंट्स फ्री कर देंगे कि ये हम करा लेंगे, चाहे वो शिक्षा मंत्री के पास जाना है, चाहे DD Zone के पास जाना है, चाहे विधायक के पास जाना है, चाहे PWD के अधिकारी से मीटिंग कर रही है, आप प्रिंसिपल और टीचर पूरी तरह से क्लासों में रहे, हमारे बच्चों को पढ़ाएं, ये काम हम और आप देख लेंगे, सही है या गलत है? ठीक है, तो हम SMC पूरी जिम्मेदारी लेते हैं, हम सब मिलकर जो समस्याएं आज लिखी गई है या लिखवाई जाएंगी आज की मीटिंग के दौरान, आप उसे पूरी अपनी जिम्मेदारी पर लीजिएगा, और हम लोगों को कहीं पर भी जाकर किसी से भी मीटिंग करके, दिल्ली पुलिस से यहाँ पर टेम्पो है, मैं बिल्कुल मानती हूँ बहुत ज्यादा क्योस रहता है, और आपने एक और DTC का बस स्टैंड के लिए बताया है, बहुत गंभीर मामला है, क्योंकि हम नहीं चाहते हमारा कोई भी बच्चा किसी भी तरह किसी भी घटना का जो है वो शिकार हो, तो हम लोगों को ये मामले बहुत गंभीरता से लेने, पर मैं पूरा यकीन दिलाती हूँ आप सभी को कि हम सब मिलकर एक बहुत बड़ा उदाहरण जो है, क्योंकि भारत, दिल्ली जो है भारत की राजधानी है, पूरा देश इस राजधानी की ओर बहुत उम्मीदों से देख रहा है, और दिल्ली की सरकार के लिए मैं कहूंगी आप सबके प्रयासों से हम वो पहचान, वो जगह बनाने में कामयाब हुए हैं कि आज हर जगह देश और विदेश में दिल्ली सरकार के सरकारी स्कूलों की और स्वास्थ्य की जो है तारीफ की जा रही है। इसके लिए मैं कहूंगी जरूर अपना कंधा एक बार फिर थपथपा लीजिएगा, सब लोग थपथपा लीजिए अपना कंधा, बिकॉज आप डिजर्व करते हैं।
मैं अपनी शुभकामनाएं देती हूँ आप सभी को और उम्मीद करती हूँ इस मीटिंग के अंत में हम जरूर कामयाब, हर बार की तरह एक कामयाब कदम उठाएंगे जो हमारे बच्चों के भविष्य में एक बहुत बड़ा बदलाव लेकर आएगा। मेरी शुभकामनाएं, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।